हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। सो आई होप आप सब काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा विन भी कर रहे होंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहे हैं मोनाको वर्सेस स्पार्टा प्रैग के बीच में जो आज का चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स का फर्स्ट मैच खेला जाएगा। सो इसके हम बात करने वाले पहले भी इन दोनों टीम्स के बीच में जो एक मैच हो चुका है जिसमें मोनाको ने विन किया था। सो स्पार्टा प्रैग के लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैच रह सकता है। सो कैसा वो कुछ लाइक लाइनअप रखने वाले हैं मोनाको की तरफ से, क्या कुछ लाइनअप रहने वाली है एंड कैसे उन प्लेयर्स के कुछ स्टैट्स हैं, सो वो सब आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आखिर तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। मे बी अगर आप स्किप करते हो को यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस कर सकते हो। सो अब चलते सीधा फटाफट से अपना प्रीव्यू के ऊपर। सो मैच जो रहने वाला वो है मोनाको वर्सेस स्पार्टा प्राग चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स का। डेट एंड टाइम की बात करूँ तो 11:30 जो रहेगा इस मैच की डेडलाइन। बाकी वेन्यू जो है स्टेड लुइस सेकंड में एंड फोंटेवेली मोनाको। सो मोनाको का आज के लिए होम ग्राउंड है, स्पार्टा प्राग जो है आज के लिए अवे टीम रहने वाली है। सो ये तो कुछ हो गया एक इन्फो। बाकी लास्ट सीजन स्टैंडिंग्स की बात करूँ तो ये जो इन दोनों टीम्स की मेन लीग होती है, सो ये उसकी स्टैंडिंग्स है। स्पार्टा प्राग या स्पार्टा प्राग जो भी आप बोलो, दोनों ही एक ही टीम के नेम है। सो वो थी लीगा में सेकंड, ये ला लीगा नहीं है, वाले बता रहा हूँ आपको मैं, ये पोर्टुगल की पोर्टुगल की नहीं। सो ये कुछ दूसरी कंट्री की लीग होती है लीगा। सो उसमें ये सेकंड थी, मोनाको जो है वो लीग वन में थर्ड प्लेस पर थी। सो दोनों ही जो है रेस्पेक्टिव अपने अपने में काफ़ी सही आई थी। उसके बाद लास्ट मैच की बात करो तो मोनाको अगेंस्ट एफसी नांतेस, इन्होंने एक एक से जो है ड्रॉ खेला था लीग वन में एंड मार्टिन्स ने उसमें गोल किया था। बाकी स्पार्टा प्राग ने जो है स्पार्टा प्राग एंड इधर से जो मैच हुआ था मोनाको का, उसमें मोनाको ने विन किया था 2-0 से उनके होम ग्राउंड में। बल्कि सो आज तो उनका होम ग्राउंड, आज तो इनका खुद का होम ग्राउंड रहने वाला मोनाको का। सो काफ़ी लाइक एडवांटेज इनको रहने वाला है। वो भी क्वालिफायर्स का मैच था, टाचोमी एंड वोलेंड की तरफ से जो आया था गोल। बाकी स्पार्टा प्राग का जो लास्ट मैच था वो था कार्विना के अगेंस्ट में, 2-0 से उन्होंने विन किया था। हेल्जेक पाविलका की तरफ से गोल थे, उससे पहले वही एक कॉमन मैच आपको देखने को मिलेगा जिसमें वो 0-2 से हारे थे, गोल वगैरह किया नहीं था। टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हो सभी अपडेट्स हैं लाइनअप्स के लिए, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। सो आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो लिंक से भी, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सभी जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है वो आपको वहाँ पर जरूर से देखने को मिलेगी। सो फटाफट से जाके वहाँ पर ही फॉलो कर लेना, एंड आपको मैं एक बार टेलीग्राम पर सर्च करके भी जो है दिखा देता हूँ कैसे आप कुछ ज्वाइन कर सकते। सो आपको आना है टेलीग्राम में, इधर आकर आपको टीम्स फॉर विन जो है सर्च करना है एंड सबसे ऊपर आपको चैनल मिलेगा। सो ये जाके आपको ज्वाइन करना पहले तो, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ज्वाइन नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप आकर देखोगे तो मेन चैनल में आपको दिखेंगे इधर से कि मेन चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा सॉरी, उसके बाद में सेकंड चैनल आप ज्वाइन करना चाहो तो, एंड बास्केटबॉल का एक सेपरेट चैनल है वो वहाँ पर जाकर भी ज्वाइन कर रिजल्ट्स एंड टीम्स वगैरह वो भी जरूर से देखना। उसके अलावा और दूसरे चैनल से आपको मिलेंगे एंड इंस्टाग्राम पर भी लाइक कोई आपको दिक्कतें नहीं होंगी, आप इधर से जाके सर्च करके लाइक इधर ये लिख दिया वर्ड फॉलो कर सकते हो यहाँ से जाकर, एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना। एंड यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो जरूर से करना, क्योंकि यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर तो सपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है। अब चलते अपना वापस से प्रीव्यू के ऊपर। एंड एक और चीज़, कल मैंने आपसे जो रिव्यू मांगे थे कि आपको जो नया फॉर्मेट कैसा लगा, सो हमारे कुछ यूजर्स ने बताया कि उनको लाइक क्या नेगेटिव एंड क्या पॉजिटिव लगा। सो उनको सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मैंने एक साथ जो पूरा लिखा हुआ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सो इसको मैं थोड़ा सा इजी तरीके एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, सो वो देखना एंड वापस मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हो। मोनाको की तरफ से जो लाइनअप रह सकते हैं उसमें न्यूबल जो है गोलकीपिंग में आ सकता है, एंड देन इधर से जो डिफेंस सेक्शन आप देख सकते हो एगुलियार, दिसासी, बादियाशील एंड हेनरिक जो इधर से आपको डिफेंस सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। बात करूँ मैं इधर से मिडफील्ड सेक्शन की तो देन मार्टिन्स, फोफाना, टचोमनी एंड गोलोविन, सो ये रह सकते हैं आज के लिए मिडफील्ड सेक्शन में। एंड देन सेंटर फोर पोजीशन पर बेन येडर एंड वोलेंड जो है देखने को मिल सकते हैं। एंड पहले मैं क्या था, पूरी एक लाइनअप ऐसे लिख देता था, सो मैंने थोड़ा सा ईजी करने के लिए कि कौन से मिडफील्ड के प्लेयर है कौन से सेंटर फॉरवर्ड के, सो इस वजह से इस तरीके से लिखा हुआ है। बाकी गोल्स इसलिए ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि असिस्ट एंड गोल्स जो है मोस्टली जो कौन करते हैं। बाकी मैं बता भी देता हूँ बट फिर भी अगर आप देखना चाहो तो अगली बार से ये मैं नहीं बोलूँगा, काफ़ी लाइक थोड़ा सा बोरिंग भी आई थिंक ये हो जाता है, सो कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्लेयर्स की बात कर लेंगे, बेन येडर ने लास्ट सीजन जो गोल किए थे 2021 मतलब कि पिछले साल जो इन्होंने सभी गोल्स किए एंड सभी लीग्स में जो किए वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। 22 गोल्स 9 असिस्ट इन्होंने किए थे लास्ट सीजन। वोलेंड के थे 18 गोल 8 असिस्ट, सो डेफिनेटली दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। उसके बाद में लास्ट मैच में अगर आपने देखा होगा देन टचोमनी को मैंने बोला था कि एक काफ़ी अच्छे डिफरेंशियल पिक बनता है, एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, एंड वही काम इनकी तरफ से हुआ था, आते ही इन्होंने एक गोल किया था एंड डेफिनेटली एक अच्छे पिक बने थे। बाकी उसके अलावा गोलोविन जो है असिस्ट वगैरह मोस्ट ऑफ द करते हैं, सो ये चार प्लेयर आई थिंक काफ़ी अच्छे हो सकते हैं आज के लिए भी। उसके अलावा डिफेंसिव जो पॉइंट दे सकते हैं वो मार्टिन्स एंड फोफाना रह सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि इन दोनों को पिक करने के बजाय आप चार डिफेंडर या फिर
तीन डिफेंडर के साथ में जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हैंड्रिक मस्ट होने चाहिए, बाकी इन तीन में से आप लाइक किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा इंजरी न्यूज़ है नहीं, पेनल्टीज जो है बैन येडर लेने वाले हैं, फ्री किक्स जो है गोलोविन पिक करेंगे। सो ये रहने वाले आज के लिए, एंड ये हो गया पूरा मोनेको का एक लाइक पूरा एक समरी बता दिया मोनेको की कि क्या कुछ लाइनअप्स एंड स्टैट्स हो गए। स्पार्टा प्रैग की तरफ आते हो तो इधर से नीता जो है गोलकीपिंग करने वाले। डिफेंस की मैं बात करूँ तो वीसनर, पेनक, हैंको एंड पोलाइडर जो रहेंगे डिफेंस सेक्शन में। उसके बाद में सेसिक, पाविलका एंड डोकेल आपको देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद मैं बात करूँ मिडफील्ड, ये हो गया सेंटर फोर्ड पोजीशन में तीन प्लेयर रह सकते हैं जिसमें मोबर, कार्लसन है, हेल्जेक है एंड पेसेक आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ये जो है कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन रह सकते हैं स्पार्टा प्रैग की। इंजरी अभी के लिए कोई नहीं है, पेनल्टीज जो है डोकल ले सकते हैं एंड फ्री किक्स वगैरह जो है वो मोबर कार्लसन की तरफ जा सकती है। एंड बात करूँ मैं इधर से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर या की प्लेयर जो निकल कर आ सकते हैं, डेफिनेटली मोबर, कार्लसन एंड डोकल डेफिनेटली अच्छे बनेंगे। डोकल मोस्ट ऑफ द टाइम्स असिस्ट करते हुए दिखते हैं। इधर से हेल्जेक एंड मोबर कार्लसन जो वो लाइक पेनल्टीज़ वगैरह एंड फील्ड गोल जो है करते हुए नज़र आते हैं। सो ये रह सकते हैं गोल्स के लिए एंड असिस्ट के लिए। सो डेफिनेटली तीनों प्लेयर काफ़ी अच्छे बनेंगे। उसके अलावा मैं बात करूँ एक और जो असिस्ट वगैरह करते हैं, पेसे किस टीम में नए हैं, स्लोवन की तरफ से लास्ट सीजन खेले थे, 6 गोल्स 1 असिस्ट है, बाकी थोड़े से डिफरेंशियल है। स्मॉलिंग में ज़्यादा इनको प्रेफर नहीं करूँगा, 3 गोल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद में सेसेक एक मिडफील्ड में अच्छे प्लेयर निकल कर आ सकते हैं। एंड बात करूँ मैं डिफेंस में तो इधर से हैंको एक ठीक ठाक से निकल हैंको या वीसनर में से किसी एक के साथ में जा सकते हो, या फिर अगर इन में से किसी को नहीं लेते हो देन फिर बाय डिफ़ॉल्ट मैं बोलूँगा गोलकीपर जोर से पिक कर लेना। तो ये हो गई इधर से स्पार्टा प्रैग की समरी। की प्लेयर्स आपने देख लिए कौन से आ सकते हैं, गोल वगैरह अगर आप चाहो तो इधर पोज करके देख सकते हो। सो बाकी इंजरी न्यूज़ हो गया अदर प्लेयर चैट से, ज़्यादा कुछ मेन प्लेयर्स और थे नहीं। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ पिछले 5 मैचेस में मोनेको पिछले 5 मैचेस में 2 विन किए हैं, 2 ड्रॉ रहे हैं एंड 1 मैच वो हारे हैं। उसके अलावा स्पार्टा प्रैग की बात करूँ तो इन्होंने पिछले 5 मैच में 4 विन किए हैं, 1 हारे हैं, बाकी ये जो हारा हुआ मैच है ये वही है मोनेको के अगेंस्ट में। इधर जो मोनेको का 1 विन है वो आया है स्पार्टा प्रैग के अगेंस्ट में। सो अभी तक के लिए 2nd लेग है एंड मोनेको अगर 2-0 वाली जो लीड है इनकी वो बरकरार रख लेती है आज के मैच में भी, लाइक अगर एक उनको सिर्फ 2 गोल कंसीड नहीं करने, 1 गोल करना है तो डेफिनेटली वो अगले फेज़ में चले जाएंगे। ओवरऑल हेड टू हेड की बात करो तो 1 ही मैच हुआ है वो जो आपको देखा था, लास्ट जो मैच हुआ था 2-1 2-0 से विन किया था। सो ज़्यादा ओवरऑल हेड टू हेड एंड ग्राउंड के स्टैट्स यहाँ पर नहीं है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करो दोनों टीम्स की तरफ से तो बैन येडर डेफिनेटली एक अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बो हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्राई करना चाहो तो डोकल या फिर मोबर कार्लसन तो या फिर हेल्जेक के साथ में जा सकते हो, बट मैं थोड़ा कम प्रेफर करूंगा स्पार्टा के साथ में जाओ एज वाइस कैप्टन कैप्टन। बाकी मोनेको की तरफ से आई थिंक ज़्यादा सेफ पिक्स रह सकते हैं। सो ये रहेगा अभी के लिए तो प्रीव्यू, बाकी मेरे को वापस से बता देना कि थोड़ा सा और अगर शॉर्ट करना है तो मैं इसमें जरूर से फिर कुछ चेंजेस जरूर करूंगा। सो बताना मेरे कमेंट सेक्शन में। बाकी अब चलते हैं अपनी स्मॉल लीग की एक बार टीम के ऊपर, बाकी ये रह सकती है आज के लिए टीम। सो मैं वापस से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोनेको को होम ग्राउंड है, 2 गोल्स वो एटलीस्ट कर सकते हैं। सो इसी वजह से ये 4 को पिक किया हुआ है। चाहो तो आप इधर से टचो मैंने के छोड़कर एक एक्स्ट्रा बादेशल के साथ में आप जा सकते हो एज ए डिफेंडर, क्योंकि क्लीन शीट वगैरह के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। सो इस वजह से एंड बाकी नीता को पिक किया है, दिसासी, एगुलर, हेनरिक है, गोलोविन, टचो मैनी, बैडर एंड इधर से सॉरी येडर एंड वोलेंड को पिक किया है। उसके बाद में पेसेक है, डोकेल एंड हेलोजेक को पिक किया है, बाकी मोबर कार्लसन को मैंने मिस किया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लाइक स्ट्राइकर सेक्शन में मैं 3 ही पिक्स जो ले सकता हूँ। सो हेलजेक एंड मोबर कार्लसन में से मैं 1 के साथ जाना चाहता था, सो जा रहा हूँ अभी के लिए हेलजेक के साथ में। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन वही रहने वाले बैन येडर एंड वोलेंड को आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को अपने फीडबैक सजेशन जरूर से बताना। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी मैच की वीडियो मिस ना करो। एंड आई होप आप इस मैच काफ़ी अच्छा विन करो। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। एंड अगर बैकग्राउंड नॉइस आई हो तो उसके लिए माफ़ करना प्लीज़ गो, अगली बार से बिल्कुल नहीं आएगी वो।